हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, आपने अभी कुछ टाइम पहले पीएमसी बैंक का हालत देखी होगी। कुछ टाइम पहले क्या करंट स्टेट में आप डे टू डे बेसिस पे न्यूज़ देख रहे होंगे। अभी एक बंदा था जो जेट एयरवेज में पहले काम करता था, उसके अकाउंट में 90 लाख रुपये पड़ा था और उसको पैसा ना मिलने की वजह से हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे टॉप का बैंक है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे पैसे जमा किए हैं तो आज की डेट में जो ये नई खबर निकल के आ रही है, पासबुक पे आपके एक स्टैंपिंग देखने को मिल रही है। अभी सबसे पहले ये HDFC बैंक के पासबुक पे एक स्टैंपिंग देखने को मिली है जो कि काफ़ी वायरल हो गई है ये तस्वीर। और आप एक छोटे इन्वेस्टर के तौर पे, एक छोटा बंदा जो बैंक में पैसा जमा करता है, तो उसको काफ़ी ध्यान देने वाली बात है इस स्टैम्प में लिखा क्या है। ये RBI की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस स्टैम्प में लिखा क्या है, आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। चाहे आपका 1 करोड़ पैसा है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ रुपया, कितना भी पैसा पड़ा हुआ हो बैंक के अकाउंट में, लेकिन अगर बैंक डूब गया, किसी भी तरीके से अगर बैंक डूब गया, जैसे PMC बैंक डूबा, तो आपको मात्र 1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब उसके ऊपर का पैसा भूल जाइए, ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। ये देखिए, ये फोटो है उसकी और यहाँ पे द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक आर, ये स्टैंपिंग लगी हुई है DICGC क्लॉज के, जो क्लॉज है उसकी स्टैंपिंग लगी हुई है। अभी मैं इसको और डिटेल में आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आ रही है, क्या लिखा है आप देख लीजिए। द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक आर इंश्योर्ड विद DICGC एंड इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द बैंक DICGC इज लाइबल टू पे ईच डिपॉजिटर थ्रू द लिक्विडेटर द अमाउंट ऑफ हिज डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख। समझ रहे हो ना आप, मात्र 1 लाख रुपए ही दे पाएगा, उससे ऊपर नहीं दे पाएगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। इसी चीज़ के लिए देखने के लिए मैं आगे गया, DICGC के डिटेल्स पे वेबसाइट पे गया, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन और मिली। ये देखिए, आप सीधे जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, DICGC.org.in पे जाना है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये RBI का सर्कुलर है, इसको अपनी पासबुक पे इन्होंने प्रिंट कराना है। ये देखिए, इसमें सारा लिखा हुआ है। क्या ये इंश्योरेंस है, क्या DICGC क्या इंश्योरेंस है ये, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, पढ़ोगे, तब आपको मिलेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसको कहते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि निक्षेप बीमा एंड प्रत्यय गारंटी निगम। ये देखिए आप, अब इसके और डिटेल में जाइए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनका आंसर मिलेगा। कौन से बैंक इसके दायरे में आते हैं, जितने भी कॉपरेटिव बैंक हैं, कमर्शियल बैंक जो आप देख रहे हैं, ये सारे इसके दायरे में आते हैं। हर किसी के वहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 लाख तक का इनका बीमा होता है, बाकी के पैसे अगर गलती से बैंक डूब के, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे वो हो आपका कोई भी यस बैंक हो, लेकिन अगर इस तरीके से कुछ हुआ तो आपको कितना मिलेगा, मात्र 1 लाख रुपये। यहाँ पे क्लियरली लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC, ईच डिपॉजिटर इन बैंक इज इंश्योर्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख। ये क्लियरली लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बैंक में भी, अब बैंक के ऊपर ही मतलब ये है कि अगर वो आपको लग रहा है कि सेफ है, तभी आप इन्वेस्ट, मतलब बैंक की सेविंग भी आपका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरीके से PMC बैंक में हुआ, बैंक में पैसा रखना भी सेफ नहीं रह गया भाई, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ये सरकार कोई गारंटी नहीं देती। आप देखिए, क्या गारंटी थी अभी तक PMC के डिपॉजिटर के लिए, कुछ तो होना चाहिए ना। अब बैंक अपने पीछे से कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिटर है जिसने अपनी मेहनत की कमाई रखी हुई है, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को रोल नहीं लेना चाहिए। अब ये मान के चलिए, अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में 14,000 करोड़ लेके नीरव मोदी जी भाग गए, तो वो पैसा क्या डिपॉजिटर का पैसा खा जाएंगे, उसको तो देना ही पड़ेगा ना डिपॉजिटर का जितना पैसा है। तो यही चीज़ है। और वहाँ पे सरकार क्या करती है, सारा पैसा, सरकार सरकारी बैंक है तो वो अपना भाई नई नई तरीके से कैपिटल रिकैपिटलाइजेशन 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 से के थ्रू आपके एक कॉमन मैन के टैक्स का पैसा उधर भरती रहती है। देख रहे हो ना अब क्या चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, PMC बैंक में क्या हुआ, सरकार ने भाई पल्ला झाड़ दिया, हम तो अभी अभी तो कुछ किया ही नहीं, कोई 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 खबर ही नहीं है। वही चीज़ आप देखिए, और यहाँ पे ये जो खबर निकल के आई, ये RBI ने क्लियरली कह दिया भाई, अपनी अपनी पासबुक में ये छपवाओ, और तब की ताकि लोग अवेयर हो पाए कि बैंक में भी उनका पैसा सेफ नहीं है। ये क्लियर, ये इंडिकेशन है, ये जो स्टैंप लगी आपको मिल रही है, ये HDFC नहीं, आने वाले टाइम पर अभी स्टार्ट हुआ है ये HDFC बैंक की जो है ये वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दे भाई। और मतलब अब तक ये कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स आर लायबल टू रिस्क, कहीं
कहते थे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन ये देखिए भाई, आपका बैंक का पैसा भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर बैंक में डूबा आपका, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका नॉर्मल सेविंग बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हो, वो भी सेफ नहीं है। कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है, कैश आप रख नहीं सकते हो। तो भाई व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, कोई एश्योरेंस दे दो भाई। मैंने किसी बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट इतना कर रखा तो मेरा उसको कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई एश्योरेंस ही नहीं है भाई। लोग कहाँ पैसा जमा करेंगे, कहाँ। अब कहते हैं भाई इकोनॉमी को हम 5 ट्रिलियन के लेवल पे ले जाएंगे, यहाँ पे तुम एक जो नॉर्मल जो कॉमन मैन है उसके पैसे को सेफ नहीं रख पा रहे हो। अब जनधन अकाउंट खुलवाए इन्होंने, अब पीएमसी में जनधन अकाउंट खोले होंगे, किसी ने जनधन अकाउंट में पैसा जमा किया होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किया होगा। कहाँ भाई उसका पैसा कहाँ गया भाई? कौन, आप जनधन अकाउंट खुलवा रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट खुलवा रही है उस अकाउंट को कह के, तो वो भी सेफ नहीं है। कौन मतलब, कोई जवाब देने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई जवाब देने के लिए आगे नहीं है। क्या हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी काम सब पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ ढंग से कर नहीं रहे। आप कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर बताएं इसके बारे में, चाहे गाली दे चाहे अच्छा कहे। तो मैं, मुझे तो ये क्लियरली गवर्नमेंट बिल्कुल अनदेखा कर रही है, और आरबीआई ने ये भी स्टैंपिंग कर दी यहाँ पे कि भैया क्लियरली कह दिया भाई, अवेयर करो लोगों को। भाई मैं भी आपको थोड़ा सा अवेयर करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई, ये एचडीएफसी बैंक ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, द एक्सप्लिसिट वर्डिंग दैट डिपॉजिट्स बियॉन्ड 1 लाख आर नॉट कवर्ड इज कॉजिंग डिपॉजिटर टू फील दैट इट इज सम काइंड ऑफ वार्निंग। डेफिनेटली इट्स अ वार्निंग, इट्स अ वार्निंग, ये पहले से ही चला आ रहा है, बस आपको बताया जा रहा है। पहले बताते नहीं थे ये, कि थोड़ा सा ना कि लोग पैसा जमा नहीं करेंगे बैंकों में, तो आपका पैसा कहीं भी सेफ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है। अब आप देख रहे हो, कल को बैंक को कुछ भी हो जाए तो आपको अपने हिसाब से, अपने टर्म से, अपने भाई जो भरोसा है कि भाई एचडीएफसी बैंक में मुझे भरोसा है, सबसे बड़ा बैंक है, नहीं डूबेगा, तो यह है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सरकारी बैंक जो है ना, जो कॉपरेटिव नहीं, सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB, NB, इनमें अगर पैसा डूबेगा तो सरकार आपको देगी, क्योंकि मेन प्रमोटर सरकार है, और सरकार वहाँ से आपको भैया वो जो रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे वहाँ से पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी सरकार ले लेगी। वो उनका बैंक है, उसकी गारंटी सरकार ले सकती है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स, कॉपरेटिव बैंक्स, इनकी गारंटी सरकार नहीं ले सकती। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक का आपने हालत देखी। तो फिलहाल ये कोई मतलब एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि भैया ये सर्कुलर के हिसाब से, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पहले से इन्फॉर्मेशन चली आ रही है और ये बस आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आपको इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक का करंट स्टेटस दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 1230 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है एचडीएफसी बैंक का, बहुत ही बढ़िया जो हाई बनाया इसने, वो ऑलमोस्ट मतलब कोई असर नहीं है शेयर के प्राइस पे, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। और डिलीवरी अच्छी खासी डिलीवरी चल रही है भाई, 55% के आसपास की डिलीवरी चल रही है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी मैं कहूँगा। बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, देखिए 38 लाख वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ यहाँ पे, बड़ा वॉल्यूम के साथ साथ अगर ओवरऑल मैं देखूँ कितनी, 52% के आसपास की डिलीवरी, 38 लाख का शेयर्स ट्रेड हुए हैं जिसमें 20 लाख के आसपास की डिलीवरी है, बहुत ही बढ़िया। अब लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है एचडीएफसी बैंक की, ये तो डिटेल हमने देखी, अब और डिटेल देख लीजिए। बहुत बड़ा बैंक है, अगर टॉप शेयर्स में आओगे तो यहाँ पे मात्र 3 ही शेयर इतने बड़े हैं। देखिए पहला TCS और रिलायंस पहले दूसरे नंबर पे यही रहते हैं, और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक की उस खबर से आप पैनिक मत होना, वो पहले से खबर चली आ रही है, पासबुक में जो स्टैंप छपा है वो बस आपको अवेयर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया भाई ये पहले से चला आ रहा है, बस अवेयर करने के लिए। आपका बस मात्र 1 लाख का इंश्योरेंस है, इसीलिए कोई आपको कहीं से पैसा नहीं देना देने वाला, और सरकार चाहेगी अगर दया थोड़ा सा ज़्यादा आ गई, लेकिन अभी उनको लोग मर रहे हैं तब दया नहीं आ रही, तो बाद में क्या ही दया आएगी। तो दया आ गई उनको तो फिर आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, जो भी करेंगे वो एक ही जगह दो कर देंगे, और क्या कर सकते, कहाँ से लाएंगे ज़्यादा पैसा, अपना पैसा तो वो बेच बेच के पैसा निकाल रहे हैं, आपको कहाँ से देंगे। फिलहाल देखिए स्ट्रॉन्ग शेयर है एचडीएफसी। अब हम एक नज़र इसके चार्ट पे भी डाल लेते हैं, और चार्ट की अगर हम बात करें तो जो इसका प्राइस चैनल दिख रहा था आपको, ये देखिए प्राइस चैनल जो बनता हुआ दिख रहा था, उसके टॉप से शेयर नीचे आया है। फिलहाल शेयर में एक फ्लैग के साथ साथ एक पैन एंड पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी यहाँ से क्रॉस करे इसको, और एक अप जंप लेके आए, और यहाँ पे रिजल्ट के बाद काफ़ी उम्मीदें रहेंगे शेयर से। रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि, तो क्या हम सोच सकते हैं कि 1300-1400 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है शेयर वापस, जो ये अप ट्रेंड की जो अपर बाउंड्री है वहाँ से फिर अगर रिकवरी का मोड आए, तो इन लेवल्स पे कहीं पे शेयर आए, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं शेयर आए, तो खरीदारी का मौका आपके लिए, बढ़िया शेयर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए ये था एचडीएफसी बैंक का अपडेट आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो था। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।